हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? आ जाएंगे सभी फटाफट लाइव। मैं एमी फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फिर से आपके सामने हूं एक और बेहतरीन क्लास लेकर। सुबह 11 बजे की क्लास, जिसे कि आप जानते हैं कि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पेपर है SSC CPO का, और आप जानते हैं इसमें इंग्लिश का वेटेज बहुत अच्छा है, और हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। और आज जो दिन है वो टेंस के थर्ड पार्ट का दिन है, यानी आज हम टेंस के रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे, टेंस के रिमेनिंग क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिनमें हम लोग बहुत इजी वे में चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, एक बार बढ़िया से सेशन को लाइक करिए, उसको शेयर कर दीजिए, और कॉपी पेन लेकर बैठिए ताकि आज आपको पूरी डिटेल में मैं हर एक चीज़ समझा सकूँ। चलिए, सभी को जय हिंद और सभी को ढेर सारा प्यार। अब सबसे ज़रूरी यह है कि मेरे बच्चे कॉपी लेकर बैठिएगा ताकि आपको बहुत नॉलेज मिल सके। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी लवर वीर में। SLV एप्लीकेशन जिन बच्चों ने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, फटाफट उसे डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों SLV एप्लीकेशन में आपको मिलते हैं स्टेट और सेंट्रल लेवल के जो डिफरेंट एग्जाम्स होते हैं उनके बहुत ही डाइवर्सिफाइड कोर्सेस, प्लस साथ में जो यूट्यूब की PDF होती है, YouTube की क्लासेस की PDF होती है, वो भी आपको एप्लीकेशन पर बढ़िया से मिल जाती है। आइए टेंस पार्ट 3 की आज मेरे बच्चे बात करेंगे, ठीक है? आइए बने रहिए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, हैड यू केम इवन अ मोमेंट अर्लियर यू वुड हैव फाउंड मी देयर। आराम से पढ़ना, क्वेश्चन इजी है, मैं चाहता हूं बढ़िया से आंसर दे मेरे प्यारे बच्चे बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि कुछ भी टफ नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और उतने ही अच्छे आंसर की उम्मीद है मुझे आपसे। देख लेना मेरे स्टूडेंट्स बढ़िया बढ़िया आंसर देंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है आप पर। अब देखो यहाँ पर बोर्ड पर क्या लिखा हुआ, हैड यू केम, पहली चीज़ यहाँ देख लो, हैड यू केम लिखा हुआ है। तो पहली चीज़ मुझे टेंस में ये देखना है कि हैड प्लस V3, वुड प्लस हैव प्लस V3, ये हमने कल पढ़ा था, याद करो कि एक सेंटेंस में वुड प्लस हैव प्लस V3 होता है तो दूसरे सेंटेंस में हैड प्लस V3 होता है। अब गौर से देखना मेरे बच्चे, यहां तो हेड आया है लेकिन यहां पर V3 नहीं V2 आया है, यानी इस केम की जगह आप क्या यूज करेंगे, कम यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? क्लियर है? क्योंकि जो वर्ब की फॉर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, ये है V1, ये है V2 और ये है V3। V1 होता है कम, V2 होता है केम, और फिर से V3 होता है कम, ठीक है? तो अभी जो थी आपकी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, आपको लाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आए समझ में? इजी है, बढ़िया से सेट कर लो दिमाग में। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, इफ आई हैव फाउंड अ बर्गलर इन माय हाउस आई वुडंट नो व्हाट टू डू। अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा क्वेश्चन है उतना ही बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन आपके पास आने वाला है अभी। अब देखो बोर्ड पर क्या लिखा है, इफ आई हैव फाउंड अ बर्गलर, अगर जो है मुझे कोई बर्गलर मिल जाता, बर्गलर मतलब कौन होता है, जो सेंधमार होता है, जो सेंधमारी करता है उसको बर्गलर बोलते हैं। अगर मुझे कोई बर्गलर मिल जाता इन माई हाउस आई वुडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता होता मैं क्या करूं। यानी ये जो दोनों एक्शन है ये साइमल्टेनियस एक्शन है, एक ही टाइम पे, यहां बर्गलर दिखा और यहां इसे समझ में नहीं आता कि भाई मैं करूं तो करूं क्या, और ये दोनों पास्ट के साइमल्टेनियस एक्शन है, और अगर पास्ट के साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं तो दोनों का कहां जाना जरूरी है, पास्ट सिंपल में जाना जरूरी है। तो बस यहां से आप हैव हटा दो, ये अपने आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, और नीचे वाला तो पास सिंपल है ही क्योंकि वहां वुड लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला भी पास सिंपल में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? एकदम इजी, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आओ, वी वर डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट एंड हैव अ गुड टाइम एज वेल।
अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छे से सॉल्व होगा ये वाला क्वेश्चन भी। अब यहाँ पर मैं आपको टेंस का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो कि बहुत मार्क्स गेनिंग है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो यहां पर गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चे, बीच में लिखा है एंड और यहां पास्ट कंटिन्यूस यूज किया गया है। देखो वर्ब के बाद वी फोर है, ये वर्ब के बाद वी फोर है, पास्ट कंटिन्यूस है और बीच में लिखा है एंड। एंड मुझे ये बता रहा है कि जो वर्ब और जो टेंस आपने एंड के पहले यूज किए हैं वही वर्ब और वही टेंस आप एंड के बाद यूज करो। तो यहां पर क्या होगा, एंड हैव नहीं होगा बल्कि होगा एंड हैविंग। आए समझ में? क्योंकि मैंने ये हल्का सा आपको कल भी बताया था कि अगर बीच में एंड लगा हो तो जो वर्ब और जो टेंस का फॉर्म आप एंड के पहले यूज करते हो वही वर्ब और वही टेंस का फॉर्म आपको एंड के बाद भी यूज करना होता है। चले सत्यम, इसे ठीक करो, गलत हो गया ये तुम्हारा। अगला क्वेश्चन बताइए, वी वर डिस्कसिंग द न्यू प्रोजेक्ट एंड हैव अ गुड टाइम एज वेल। और सॉरी ये तो हो गया था हमारा ये क्वेश्चन, शी इज रीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, कल भी हमने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी बच्चा आंसर गलत कर सकता है, सबका एकदम सही आंसर आएगा देख लेना। गुड वन, अब बोर्ड पर आओ, क्या लिखा है, शी इज रीडिंग फॉर द लास्ट 6 आवर्स। मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर आपको सेंस दिखाई देता है या आपको 4 दिखाई देता है और उसके बाद आपको टाइम दिखाई देता है, टाइम वर्ड कोई सा भी हो सकता है, 2 आवर्स, 3 आवर्स, मंडे, ट्यूजडे, मॉर्निंग, इवनिंग, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे बच्चे आपका जो सेंटेंस होता है वो कहाँ जाता है, वो हमेशा जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। वो कहाँ जाता है, परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। अब गौर से देखो यहां पर लिखा है फॉर द लास्ट 6 आवर्स, तो मैं समझ जाऊंगा कि शी इज रीडिंग नहीं होगा बल्कि होगा यहां पर शी हैज बीन रीडिंग, शी हैज बीन रीडिंग। हो गया सॉल्व, बहुत बढ़िया। यहां पर सत्यम ने भी सही आंसर दिया है, इसके अलावा लाल सिंह ने भी सही आंसर दिया है। गुड वन बॉयज, एकदम सही आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, When they stole the money and where did they hide it? Is नहीं होगा, hide it होगा, मैं इसे ठीक कर देता हूं, मिस प्रिंट है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। आप क्वेश्चन सॉल्व करने पर ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन यहाँ मेरी तरफ से आपको दिया जाएगा अभी। अब देखो मेरे बच्चे, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं टेंस के स्ट्रक्चर में, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस सब्जेक्ट होता है। ये नॉर्मल किसी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। अब ऐसे ही दो और स्ट्रक्चर हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड वाले होते हैं, वो कैसे होते हैं, एक ऐसा होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है और पीछे क्वेश्चन मार्क होता है, और दूसरा ऐसा होता है कि डब्ल्यू एच वर्ड होता है प्लस सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है। ये नीचे वाला जो है ये आपको मेरे बच्चे दिखाई देता है इंटरोगेटिव की तरह, लेकिन असल में इंटरोगेटिव नहीं होता, ये इनडायरेक्ट नरेशन का कन्वर्टेड फॉर्म है। उधर उतनी दूर मत जाओ, आप तो इतना ध्यान रखो कि अगर आपको डब्ल्यू एच वर्ड दिखता है और आपने देखा कि पीछे क्वेश्चन मार्क है तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले आएगा, लेकिन फिर से अगर आपको डब्ल्यू एच दिखता है और आप देखते हैं कि पीछे फुल स्टॉप है तो हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आएगा। ये बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। अब बोर्ड पे देखो, यहाँ पर आपको डब्ल्यू एच वर्ड दिखाई दे रहा है और क्या आपको क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया, बिल्कुल क्वेश्चन मार्क दिखाई दिया, तो ये स्ट्रक्चर तो एकदम सही लगा हुआ है, इस स्ट्रक्चर को सही करना है। तो क्या करेंगे, व्हेन डिड दे
स्टॉल की जगह स्टील, क्योंकि टू डज डिट के बाद में इन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है, चूंकि सेंटेंस पास्ट का है तो पास्ट में ही हम क्या करेंगे, उसको इंटरोगेटिव में सही स्ट्रक्चर में नोट करेंगे। समझ में आया, दिमाग में सेट हुआ? ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ ताकि जब आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करो, मेरे बच्चे आपको पीडीएफ मिल जाती है एसएलवी डिफेंस वॉरियर पर, एसएलवी डिफेंस वॉरियर पर, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पर से वहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की नहीं, मैथ्स की, जीके की, रीजनिंग की सारी पीडीएफ वहाँ पर आती है। आ जाइए नेक्स्ट। शी आस्क्ड मी वेयर वॉज द वैक्सीनेशन सेंटर सो आई हेल्प्ड हर टू अंडरस्टैंड द वे। अब जो पैटर्न मैंने आपको पीछे बताया है, अगर वो पैटर्न आपको याद है तो ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन आपका है, आप बहुत अच्छे से इसे सॉल्व कर सकते हो। आ जाओ, अब गौर से बोर्ड पर देखना। शी आस्क मी वेयर वॉज द वैक्सीनेशन सेंटर। क्या पूरे सेंटेंस में आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क दिख रहा है? नहीं दिख रहा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन मार्क नहीं दिखता है, फुल स्टॉप दिखता है, तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएगी? सब्जेक्ट के बाद अगर डब्ल्यू एच वर्ड आया है तो। अब आ जाओ, ये डब्ल्यू एच वर्ड आया है, देखो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले दे रखी है, बस क्या करेंगे हम इस पूरे को चेंज करके क्या लिख देंगे, हम इस पूरे को चेंज करके लिख देंगे द वैक्सीनेशन सेंटर वॉज, द वैक्सीनेशन सेंटर वॉज, है ना? पहले सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हो गया ना इजी? चलो अगला। When the students were taking their exams, the lights were going off. पढ़ लो आराम से, पढ़कर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। बिल्कुल भी टफ नहीं है, पहले बता रहा हूं, बहुत ईजी है, केवल अपनी जो स्पीड है उसको आपको मेंटेन रखना है, बस पढ़ो, दो बार तीन बार रीड आउट उसे करना पड़े तो बिल्कुल करो, लेकिन उसके बाद आपका आंसर जो आएगा वो बेहतरीन आएगा। बहुत बढ़िया। अब बोर्ड पे देखो, व्हेन द स्टूडेंट्स वर टेकिंग देयर एग्जाम्स द लाइट्स वैन वर गोइंग ऑफ। तो स्टूडेंट्स, देखो गौर से देखना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ वर दे रखा है ना? तो जो लाइट थी वो चली गई, गोइंग ऑफ नहीं, वेंट ऑफ, पास्ट में लेके आओगे आप इसे, वेंट ऑफ, ऐसे आप इसे यूज करोगे, गोइंग ऑफ नहीं, वेंट ऑफ, पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट में आप इसे यूज करोगे, है ना? कि जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको चीजों को सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके साथ आपको ध्यान रखना है वर्ग की भी जरूरत नहीं है। देखो क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि अगर कोई काम चल रहा होता है तो चलता हुआ काम हमेशा पास्ट कंटिन्यूस में आता है, बताया था मैंने आपको कि अगर पास्ट में कोई काम लगातार चल रहा होता है तो वो काम पास्ट कंटिन्यूस में आता है, और उस काम के बीच में कोई काम उसे इंटरप्ट करता है तो वो काम पास्ट सिंपल में आता है। अगर उस काम को बीच में कोई काम इंटरप्ट करता है तो वो कहाँ आता है? पास्ट सिंपल में आता है। अब बोर्ड पर देखो, व्हेन द स्टूडेंट्स वर टेकिंग देयर एग्जाम्स, तो जब स्टूडेंट्स अपने एग्जाम दे रहे थे उसी वक्त लाइट गई, यानी ये काम बीच में इंटरप्ट हुआ, और जिससे इंटरप्ट हुआ होगा वो पास्ट सिंपल होगा, इसलिए आपको पास्ट सिंपल यूज करना है, वेंट ऑफ। और गो का सेकेंड फॉर्म वेंट होता है, गोइंग नहीं होता है, गोइंग उसका फोर्थ फॉर्म होता है। क्लियर है? समझ में आया, दिमाग में सेट? अगला क्वेश्चन बताओ। आई हैव बीन एडमायरिंग हर फॉर द वॉइस विद विच शी इज गिफ्टेड। अच्छा क्वेश्चन है, जितना अच्छा क्वेश्चन है उतने अच्छे से इसे सॉल्व करो, मजा ही आ जाए।
गुड वन। देखो गौर से देखना मेरे बच्चे, स्मेल हुआ, नोटिस हुआ, टेस्ट हुआ, लाइक, लव, हेट, थिंक, हियर, स्मेल, नोटिस, टेस्ट, एडमायर एटसेट्रा। ये जो वर्ब्स मेरे बच्चे आपको दिखाई दे रही हैं, गौर से इन वर्ब्स को देखो। इन वर्ब्स को हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ सेंसेस। इन वर्ब्स को क्या बोला जाता है? वर्ब ऑफ सेंसेस। गौर से देखो इन सारी वर्ब्स को, ये सारी वर्ब्स सेंसेस पर काम करती हैं। देखो अगर मैं चल रहा हूं, आई एम वॉकिंग, तो ये जो वॉक वर्ब जो है ये वर्ब ऑफ सेंस नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, अगर मैं स्मेल कर रहा हूं तो ये मेरे सेंस से चल रही है। अगर मैं कोई चीज टेस्ट कर रहा हूं तो ये मेरे सेंस में चल रही है। अगर मैं कोई चीज सोच रहा हूं तो ये मेरे सेंस में चल रही है। तो ये वर्ब ऑफ सेंस होते हैं। और वर्ब ऑफ सेंस को हमेशा किस में लिखा जाता है? पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। यानी हमेशा ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। और एडमायर हमारी लिस्ट में है तो आई हैव एडमायरिंग नहीं होगा, आई एडमायर हर, ऐसे सॉल्व होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब मैं नहीं, मुझे नहीं लगता मेरे बच्चे कहीं फंसेंगे। बहुत बढ़िया सत्यम ने बढ़िया आंसर दिया, गुड वन। बाकी सब भी मुझे बेहतरीन आंसर देने की कोशिश करो, मजा उसी में है। पीडीएफ डाउनलोड करेंगे आप एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स चैनल से। डिफेंस वाला तो दोपहर में आता है, एसएससी एंड रेलवे एग्जाम्स जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर आपको क्लास की पीडीएफ बढ़िया से मिल जाती है। आ जाइए, ही वॉज विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले। आ जाओ देखो मेरे बच्चे, अगर आपको टिल नाउ दिखा, टिल नाउ, जस्ट नाउ दिखा, जस्ट दिखा, एज जस्ट दिखा, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि इनमें से किसी के भी आने के बाद आपका जो सेंटेंस होता है वो हमेशा किस टेंस में जाता है? वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। वो हमेशा किस टेंस में जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाता है। अब गौर से बोर्ड पर देखो, ही वॉज विद मी टिल नाउ, टिल नाउ दिख गया आपको, इसका मतलब ये सेंटेंस कहां जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ही वॉज विद मी नहीं, ही हैज आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि अगर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत हो और आपके सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना हो तो आप बीईबी का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत हो और आपके सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ना हो तो आप बी डबल ई एन बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो आप क्या करेंगे? ही हैज बीन विद मी, ये देखो हो गया सॉल्व। तो ही हैज बीन विद मी टिल नाउ सो डोंट पनिश हिम फॉर द डिले, हो गया एकदम सॉल्व। टफ तो नहीं रहा, गुड वन। ऐसे ही तो चीजें धीरे धीरे हमारे दिमाग में चली जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रोन ग्रेजुअली। Several surgery reports indicate that the number of drug addicts is grown
ग्रेजुअली। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़कर एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। आ जाओ, लिखा हुआ है सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट। पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और चूंकि आपका सब्जेक्ट है सेवरल सर्वे रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल यूज हुआ है। वर्ब को प्लूरल कैसे बनाते हैं, ऐसा हटाकर। उसके बाद दैट आया है, दैट के बाद एक दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, उसका जो सब्जेक्ट है वो है द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नाउन प्रोनाउन प्लूरल आते हैं। मैंने आपको ये बात सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स में पढ़ाई थी कि द नंबर ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आते हैं और जो वर्ब होता है वो सिंगुलर आता है। बस प्रॉब्लम क्या है कि जो टेंस इसमें यूज़ किया गया है वो पैसिव यूज़ कर लिया गया है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स बढ़ रहे हैं, यानी सेंटेंस को कंटिन्यूस फॉर्म में लेके जाना है, पैसिव में नहीं। तो यहाँ पर इज के बाद ग्रोन की जगह हम क्या यूज करेंगे, ग्रोइंग यूज कर देंगे। ठीक है, क्या यूज हो जाएगा, ग्रोइंग यूज हो जाएगा। समझ में आया, कहीं फंसे तो नहीं मेरे बच्चे? बहुत छोटा सा पॉइंट है, याद रखना है। अगला बताइए, हियर इज कमिंग अब बच्चन, सेड ही व्हेन वाज ही वेटिंग फॉर मी फॉर हिम। यहाँ पे एक मिसप्रिंट है, इसे मैं ठीक कर देता हूँ पहले। ये तो मिसप्रिंट है, He was। यहाँ पर गड़बड़ कुछ और है, ये मिसप्रिंट था मेरे बच्चे, ये मैंने ठीक कर दिया। अब आराम से पढ़िए देखिए, क्योंकि जहां पर आपको गड़बड़ लग रही थी वो तो मैं सुधार चुका हूं, तो अब आपको क्या लगता है कि गड़बड़ कहां पर होगी, कहां पर पॉसिबिलिटी है गड़बड़ की, कहां पर गड़बड़ हो सकती है? आ जाओ, हियर इज कमिंग अब बच्चन। अब गौर से देखो मेरे बच्चे कि हियर और देयर, हियर और देयर वाले जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, कौन से सेंटेंसेस होते हैं, हियर और देयर वाले जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब इस सेंटेंस में आपको क्या दिखाई देगा, ये एक्सक्लामेटरी मार्क दिखाई देगा। ठीक है, तो जो हियर और देयर वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये सेंटेंसेस हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। किस में लिखे जाते हैं मेरे बच्चे, प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। यानी जब भी आपने किसी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी साइन देखा, ये देखो ये दिख गया आपको, ये देखो ये लगा है, देखा, और फिर उस सेंटेंस में आपने क्या देखा, हियर या देयर देखा, देखो हियर आया हुआ है, तो अब इस सेंटेंस को आपको किस में लिखना पड़ेगा, प्रेजेंट सिंपल में लिखना पड़ेगा। तो क्या होगा, हियर इज कमिंग नहीं, हियर कम्स, हियर कम्स अप मिस्टर बच्चन। आया समझ में? तो बहुत छोटी बात है लेकिन पॉइंट ऐसा है जिससे क्वेश्चंस आते हैं तो हमें पता होना चाहिए। क्लियर? अगला बताइए, आई कुड नॉट रिकॉल व्हेन शी हैज टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विद गोपाल। अच्छा क्वेश्चन है और उतना ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी मुझे आपसे। बहुत बढ़िया, अच्छी मेहनत है सभी बच्चों की, बहुत अच्छी मेहनत चल रही है, गुड वन। अब बोर्ड पर देखो, सबसे पहली बात तो यहां पर कोड आ चुका है ना, कोड, कोड मुझे ये बता रहा है आपका सेंटेंस पास्ट में है और कोड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हेन शी हैज, शी के बाद हैज आ गया, बस गड़बड़ यहीं से चालू हो गई, और गड़बड़ यह है कि चूंकि सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में चल रहा है
तो अब यहां पर आप हैज का यूज नहीं कर सकते, आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैड लिखना पड़ेगा। तो आई कुड नॉट रिकॉल व्हेन शी हैड टोल्ड मी अबाउट हर अफेयर विद गोपाल। क्लियर? अगला क्वेश्चन बताओ। फोर एंड फोर ऑलवेज मेड एट कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड बाय एनीवन। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया नॉलेज देगा आपको। देखो बोर्ड पे देखो, फोर एंड फोर ऑलवेज मेड एट, ये चीज क्या है? ये जो सेंटेंस यहां पर कहा गया है, ये सेंटेंस मेरे बच्चे क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। और जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, उन यूनिवर्सल ट्रुथ को हम किसमें लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं मेरे बच्चे, प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो अगर यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं तो फोर एंड फोर ऑलवेज मेड एट नहीं होगा, फोर एंड फोर ऑलवेज मेक्स एट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करनी पड़ेगी। दो और दो या चार और चार हमेशा आठ होते हैं, चार और चार नौ नहीं होते। और ये बात पूरी दुनिया में लागू होती है, ऐसा तो नहीं होता कि अमेरिका जाएंगे तो चार और चार नौ होने लगेंगे या चाइना में जाएंगे तो चार और चार सात होने लगेंगे, ऐसा नहीं होता। आ जाइए अगला क्वेश्चन बताइए। शी होप्स टू बिकम एन इंजीनियर आफ्टर शी विल कंप्लीट हर एजुकेशन। फटाफट 30 सेकेंड लीजिए और मुझे सही आंसर देने की कोशिश करिए। आप देखो देखो, वो बोल रही है कि एक लड़की है और ये होप करती है कि ये एक इंजीनियर बनेगी, है ना, शी होप्स, है ना, कि वो एक इंजीनियर बनेगी। ठीक है, तो ये सब कब होगा, आफ्टर, जब उसकी जो एजुकेशन है वो जब कंप्लीट हो जाएगी। यानी हम, मैं हिंदी में कुछ और बोल रहा हूँ, इंग्लिश में सेंस कुछ और लगेगा। यानी जब ये काम पास्ट में चला जाएगा तब ये काम होगा, जब ये काम पास्ट में चला जाएगा तब ये काम होगा। तो आफ्टर यहां पर मुझे ये बता रहा है कि आफ्टर का मतलब ये है कि ये काम हो गया होगा, उसके बाद इस काम की उम्मीद की जाएगी। तो शी विल कंप्लीट नहीं होगा बल्कि होगा शी कंप्लीटेड। यहां पर आपको सेंटेंस को कहां लेके जाना पड़ेगा, पास्ट में लेके जाना पड़ेगा। शी कंप्लीटेड हर एजुकेशन। समझ में आया? तो बहुत घुमा फिरा कर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहां पर। आ जाओ। व्हेन यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। When you will find a solution to this problem, you will be able to get this project. बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया तरीके से अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। ये सेम पैटर्न मैंने आपको कल भी बताया था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये पैटर्न ध्यान होगा। एक बार फिर से मैं बोर्ड पर आज फिर से बताऊँगा कि अगर आपने सेंटेंस में वैन देखा, वाइल देखा, इफ देखा, एज इफ देखा, एज दो देखा, इन केस देखा, अनटिल देखा, अनलेस देखा, तो मेरे बच्चे आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है लेकिन जितना यहां पढ़ेंगे उतना काम का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका जो एक सेंटेंस होगा वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा, और जो आपका दूसरा सेंटेंस होगा वो हमेशा फ्यूचर सिंपल में होगा। एक पार्ट प्रेजेंट सिंपल में होगा और दूसरा कहाँ होगा, फ्यूचर सिंपल में होगा। तो देखो यहां पर आपको सिर्फ ये देखना होगा कि कौन सा बाद में होगा, क्योंकि जो बाद में होगा वो फ्यूचर सिंपल में होगा। आ जाओ देख लो। व्हेन यू विल फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम यू विल बी एबल टू गेट दिस प्रोजेक्ट। यानी पहले तुम्हें सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी,
उसके बाद तुम इस प्रोजेक्ट को समझ पाओगे। तो जो प्रोजेक्ट को समझने वाला काम है वो बाद में होगा, तो ये फ्यूचर में गया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ये प्रेजेंट सिंपल में जाएगा। तो यहाँ पे यू लेंगे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइंड बनेगा। हो गया प्रेजेंट सिंपल में चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। माई अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे। अच्छा क्वेश्चन है, और जितना अच्छा क्वेश्चन है उतने ही अच्छे आंसर की उम्मीद है मुझे आपसे, और देखना बच्चे बढ़िया सा आंसर बना लेंगे। गुड वन। देखो यहां पर मेरे बच्चे आपको एक वर्ड दिखाई दे रहा है, लास्ट सैटरडे। लास्ट सैटरडे मुझे क्या बता रहा है कि ये काम कब का है, ये काम पास्ट का है। लास्ट सैटरडे मुझे क्या बता रहा है, ये काम कब का है, ये काम पास्ट का है। और अगर ये काम पास्ट का है तो आपका जो टेंस होगा वो पास्ट में जाएगा, जैसे आप है सताओगे ये लेफ्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म बन जाएगी, क्योंकि लीव की फॉर्म कैसी होती है, ये है वी वन, ये है वी टू और ये है वी थ्री। तो वी वन होती है लीव, वी थ्री होती है लेफ्ट, वी टू और वी थ्री भी होती है लेफ्ट, तो उसकी वी टू और वी थ्री दोनों फॉर्म सेम होती हैं, तो हमें वहां पर कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी अगर हम वहां से हैज हटा देंगे। तो आइए, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। कर द सॉल्व, बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कुछ बहुत डिटेल्ड आपको समझना पड़ेगा, एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाऊँ समझाऊंगा अभी बोर्ड पर, देखते जाना ठीक है। गुड वन। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। देखो आप गौर से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन ही अराइव्स, व्हेन ही अराइव्स कि जब वो आता है उसके पहले ही, उसके पहले ही वो निकल चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। किसकी तरफ इशारा करता है, फ्यूचर परफेक्ट की तरफ। तो शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, ये फॉर्मूला है फ्यूचर परफेक्ट का। शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड होम When he arrives, इसे इस तरह से हम सॉल्व करेंगे ठीक है। अगला बताइए, रोनाल्डो इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग ऑन इंस्टाग्राम। कर दो सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाएगा लेकिन आपको घूमना नहीं है। अब देखो बच्चे, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो प्रेजेंट पोजीशंस होती हैं, प्रेजेंट पोजीशन, वो प्रेजेंट पोजीशन हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। प्रेजेंट पोजीशन यानी प्रेजेंट में जो आपका है, जिस पर आपका कब्जा है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में होती है। और उसमें आपको क्या यूज करना होता है, आपको यूज करना होता है हैज, Have प्लस नाउन का, क्योंकि आपका कब्जा किसी नाउन पर ही तो होगा। अब यहाँ पर has have देख के कन्फ्यूज मत होना कि कहीं है प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं, नहीं भाई, ये प्रेजेंट सिंपल ही है। अगर has have के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखती है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन has have के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं दिखती है, कोई नाउन दिखता है, तो वो प्रेजेंट सिंपल होता है। अब गौर से देखो कि रोनाल्डो इज हैविंग A large fan following on Instagram. तो Ronaldo is having नहीं, Ronaldo has. Ronaldo के पास है large fan following Instagram पे, उसके पास है, वो possess करता है ठीक है, इसलिए होगा has. बहुत बढ़िया सत्यम। आइए, before the teacher could finish the question, the students gave the correct answer.
अच्छे से सॉल्व करना, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कल मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई भी मेरा बच्चा गलत आंसर कर सकता है। देखो कितना इजी था, आओ बोर्ड पर देखो, यहां पे मैंने आपको बताया था कल, और मैंने स्टार लगवाया था स्पॉन्ड की, कि पास्ट में अगर आपके दो काम हुए हो जिसमें आपका एक काम पहले हुआ हो और एक काम बाद में हुआ हो, तो जो काम पहले होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, बहुत पूछा जाता है ये पॉइंट, इसलिए आज फिर दोबारा इसे बता रहा हूँ, और जो काम बाद में होता है वो जाता है मेरे बच्चे पास्ट सिंपल में। तो जो काम पहले होता है वो जाता है पास्ट परफेक्ट में, जो काम बाद में होता है वो जाता है पास्ट सिंपल में, यानी ये जाएगा हैड प्लस वी थ्री में, और ये जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, या फिर ऐसे वर्ब में जो पास्ट को डिनोट करते हों। तो देखो, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन द स्टूडेंट्स गेव द करेक्ट आंसर, कि जब स्टूडेंट टीचर जो टीचर जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट करता उसके पहले ही स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, तो टीचर वाला पॉइंट पास्ट सिंपल में जाएगा चूंकि गया हुआ है। देखो कुड पास्ट सिंपल को रिप्रेजेंट करता है, तो अब ये जो है ना ये गेव नहीं आएगा, द स्टूडेंट्स हैड गिवन आएगा, पास्ट परफेक्ट हैड गिवन हो गया सॉल्व। बहुत बढ़िया सत्यम, तो बस यही तो आपको सीखना है, पूरे टेंस का खेल यही है। कल से आप देख रहे हैं कि एक सेम पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं, एक सेम पैटर्न हम एसएससी का फॉलो करते जा रहे हैं। यही अगर मैं आपको डिफेंस में पढ़ा रहा होता तो कुछ पैटर्न में बदलाव होता। आइए, ही इज गिवन मी अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू रीड बिफोर द प्रेजेंटेशन टुमारो, अच्छे से पढ़ना, पढ़कर ही सॉल्व कर लोगे, बिल्कुल ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली इस क्वेश्चन में। तो आपको आ जाओ, क्या होगा, क्या ही इज गिवन मी होगा? नहीं, ही हैज गिवन मी, हैज के बाद वी थ्री आती है, उसने मुझे दिया है या दे चुका है, ही हैज गिवन मी, दिया है, पोजीशन मेरी हो चुकी है। ठीक है, आ जाओ, बाय द टाइम यू विल रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहां पर देने वाला हूं। आ जाओ, देखो अब इसे इस तरह से याद रख लो, बाय द टाइम प्लस, अगर आपको बाय द टाइम दिखाई दिया तो एक सेंटेंस फ्यूचर सिंपल, दूसरा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट, है ना एकदम इजी। तो बाय द टाइम लिखा है, बाय द टाइम वी विल रीच द स्टेशन द ट्रेन विल हैव ऑलरेडी लेफ्ट। अब यहां पर एक पॉसिबिलिटी आपको और भी देखनी है कि कभी कभी आपको फ्यूचर सिंपल के अलावा प्रेजेंट सिंपल भी दिखेगा, तो जब प्रेजेंट सिंपल भी दिखेगा तब भी आपको इसी फॉर्मूले को याद रखना है। देखिए दोनों ही केस में जो बाकी का सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में जाएगा बाय द टाइम के साथ। आ जाओ, बताओ, न्यू किंग चार्ल्स लीड्स हिज आर्मी एंड अटैक द एनिमी, कर दो सॉल्व। आ जाओ, तो न्यू किंग चार्ल्स लीड्स हिज आर्मी, अब न्यू किंग चार्ल्स ने अपनी आर्मी को, वो अपनी क्या करता, तभी आर्मी को लीड करता था,
और अपने दुश्मनों पर अटैक करता था। तो मेरे बच्चे ये जो बात है ये इवेंट पास्ट का है, तो यहाँ पर अटैक्ड अपनी जगह एकदम सही लगा हुआ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, यहाँ पर आपको लीड का सेकंड फॉर्म लेड यूज करना पड़ेगा, है ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको यहाँ पर इस्तेमाल करनी होगी। नेक्स्ट, ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड हेल्प पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। ये अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा गहराई में चीजों को सोचना होगा, जब सोच पाएंगे तभी इसे सॉल्व कर पाएंगे, नहीं सोच पाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड हेल्प पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन। कि जब भी कोई ओकेशन आती है, जब भी कोई ओकेशन आती है, आप भी ऐसा करते होंगे कि कोई दिवाली है या कोई त्यौहार है, तो हम क्या करते हैं दिवाली पे त्यौहार पे हम जो है अपने पुराने कपड़े गरीबों को देते हैं ताकि उनके पास भी पहनने के लिए कपड़े हों, ठीक है। तो ये काम ऐसा है जो ओकेशंस पे होता है, यानी ये असल में उन लोगों की एक रूटीन है जो वो हर ओकेशंस पे करते हैं, और अगर ये रूटीन है तो वी डिड हेल्प नहीं, वी हेल्प पुअर होगा, प्रेजेंट सिंपल में आपको इसे ले जाना पड़ेगा, है ना। ओके, बाकी फिर पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, देखो टू ईट एंड टू पुट ये सब प्रेजेंट में चल रहा है ना। ओके गणेश्वर, आ जाओ, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में तुम लोग फंसोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आज तुम्हें ये वाला सिखा दिया है। रोज टेंस में हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सीखी, आज हम मिक्स्ड टेंस कर रहे थे, तो मुझे लगता है ये पूरा आपके दिमाग में गया होगा। आओ बोर्ड पर, ही इज हैविंग मैनी फ्रेंड्स हियर, उसके पास हैं काफी सारे दोस्त। तो पोजीशन चाहिए, पोजीशन मतलब हैज हैव चाहिए, हैविंग नहीं चाहिए। थोड़ी देर पहले ही बताया था ना मैंने, जब वो रोनाल्डो वाला एग्जाम्पल आया था, रोनाल्डो हैज मैनी फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, है ना। आ जाओ बताओ, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ गेम ऑफ चेस। अरे यही तो कॉन्सेप्ट बताया था थोड़ी देर पहले, इसमें तो फंसने का सवाल नहीं है। कि देखो, चार्ल्स खेल रहा था और मैं बीच में आया, तो मैं जो बीच में आया मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल में हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चार्ल बीच में खेल रहा था जो पास्ट कंटिन्यूस था, तो इस प्लेइंग की जगह हो जाएगा वॉज प्लेइंग, है ना, एकदम ईजी। अगला, आराम से सोच समझ के आंसर देना, मजा ही आ जाए। सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडेज। अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया से इसे सॉल्व कर सकते हो तुम। देखो, सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव, होम ट्रिप जो थी वो एक्सपेंसिव थी, पास्ट में चल रहा है सेंटेंस, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई डिड नॉट वेंट, हम जानते हैं कि डिड के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेंट की जगह सिर्फ आपको गो करना है, क्योंकि पूरा सेंटेंस पास्ट में है, सेंस आया है यानी सेंटेंस पास्ट में है, तो उसे पास्ट में ही रहने, तो उसके टेंस में चेंज नहीं करना है, बल्कि जो हेल्पिंग अब यूज करी गई है उस वर्ब के टेंस में दिक्कत है, क्योंकि डू डज डिड के बाद हम जानते हैं वर्ब किस फॉर्म में आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है। As she is late for work yesterday, she decided to skip breakfast and leave for office. Kado sol. ये तो पढ़कर ही सॉल्व हो जाएगा। देखो, सबसे पहली चीज यहां पर क्या आ चुका है, यस्टरडे आ चुका है।
यस्टरडे मुझे चीख चीख के बता रहा है कि ये बात कब की है। ये बात पास्ट टाइम की है, और अगर ये बात पास्ट टाइम की है तो आप मेरे बच्चे जो वर्ब चुनेंगे वो पास्ट का चुनेंगे, तो शी इज़ लेट नहीं, शी वॉज लेट होगा। ज़रा सी भी दिक्कत नहीं। अगला, बस तो मेरे पिटारे में आज इतना ही था मेरे प्यारे बच्चे। तो आज टेंस हो चुका है, यानी कल आपका वॉइस होना है। कल हम शानदार एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्टिव पैसिव वॉइस करेंगे। कल मैं आपको इनकी ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे हम 1 से 2 सेकंड में एक्टिव पैसिव वॉइस कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है, उसके लिए आपको मुझसे मिलना पड़ेगा कल 11 बजे। जय हिंद।